अभी मैं आई हूँ आते हुए भी पूरा टाइम लोग गाड़ी में सिद्धू मूसा सुनते आए, तो बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग की बात है, मुझे देख ही नहीं आ रहा अभी तक। वो गोली हमारे एक्चुअली फैंस के दिलों पे लगी है, क्योंकि हम तो रोज रूटीन में उनके गाने सुनते हैं। देख ले, आज 29/5 है, ठीक है, उसका एक गाना 295, सेम डेट सेम गाना। उसने तो हल्का मचा दिया पूरे पाक और हिंद में, जितने हमारे पाकिस्तान की यूथ थी उसके लिए एक लेजेंड था ये सिद्धू मूसे वाला। मैं कुछ नहीं बता सकता। हमारा पंजाबी भाई था और फार्मर्स के लिए खड़ा हुआ था, तो एक कहीं ना कहीं दुख है। काफी ज्यादा अभी भी शौक, यकीन नहीं आ रहा, नजरें खा गई उनको। इंडियन रियासत से इस बात का मुतालबा भी करता हूँ कि इनके कातिलों को कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। बॉर्डर के उस पार इंडिया से जो अभी खबर आई है, मशहूर सिंगर सिद्धू मूसे वाले की वफात हो गई है, फायरिंग के नतीजे में उनकी मौत हुई। पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा मशहूर थे वो, लोगों का क्या रद्द अमल है आइए जानते हैं। सिद्धू मूसे वाले की अभी घंटा दो पहले डेथ हो गई है, कैसे मिली आपको ये न्यूज़ और कितनी शॉकिंग है? मुझे एक दोस्त ने भी अभी बताया है कि उसकी सिद्धू मूसे वाले की डेथ हो गई है, और जबकि अभी थोड़े दिन पहले ही एक प्लान हो रहा था कि उसका कॉन्सर्ट इधर पाकिस्तान में होने का सारी प्लानिंग्स चल रही थी, और बाकी सुन के बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि एक अच्छा बंदा था और उसकी मेन चीज़ ये थी कि वो गाने जो गाता था उसके लफ्ज़ों में बड़ी गहराई होती थी। मतलब लाइक वो कुछ भी है ना, आज देख लें, आज 29/5 है, ठीक है, उसका एक गाना 295, सेम डेट सेम गाना, किसी वजह से इसने गाना गाया था। उसके गाने का एक बड़े लाइन है कि मुसीबतें बंदे आते पैंदी रहती है। जी, सुन के बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ये हमारी यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा मोटिवेशन था। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ये बंदा उठा और आगे गया, आगे जाके इसने तो हल्का मचा दिया पूरे पाक और हिंद में। ये जितने हमारे पाकिस्तान की यूथ थी उसके लिए एक लेजेंड था ये सिद्धू मूसे वाला, तो बड़ा अफसोस हुआ। दोस्तों में हमारे ग्रुप्स में खबर फैल गई, और जैसे समझ लें कि कोई फैमिली का फर्द जो है ना, वो बेचारा कोई डेथ नहीं हो जाती फैमिली में, या कोई संगी कोई दोस्त या कोई, वो ऐसा फील है हमारे लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जो छोटे से गांव से उठ के उसने इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया में अपना जो है नाम बनाया, और मैं तो ये कहूँगी कि जेलसी में आके उनको जिन लोगों ने ये किया है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी तरक्की नहीं देता, और बहुत ज़्यादा उनको किया जा रहा था, बहुत टाइम से उनको धमकियां भी मिल रही थी कि वो गैंगस्टर्स के ऊपर सॉन्ग्स जो हैं बना रहे हैं, नहीं बनाने चाहिए। तो अब जो है सिक्योरिटी ना होने की वजह से जितने भी फायदा उठाया है, बेशक हमारी आवाम जो है इसके एंड तक पहुंचेगी कि क्या चलता है। बहुत अफसोस हुआ, एक इतना अजीम हस्ती, एक इतना जो है ना हमारे अंदर से टैलेंटेड बंदा चला गया आज, तो मैं तो खुद जब से मैंने न्यूज़ सुनी है मैं खुद बहुत अफसोस। आपने ये न्यूज़ कैसे सुनी और क्या रिएक्शन था आपका? मैंने ये न्यूज़ ट्विटर पे सुनी, ट्वीट्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे थे। जैसे मैंने ओपन की तो पहले तो 10 मिनट मुझे लगा कि कोई र्यूमर है, रियलिटी शायद है ही नहीं। मैंने यूट्यूब खोली, गूगल खोला, हर जगह से कंफर्म करने के बाद मुझे पता चला कि ओके ये सच है, लेकिन स्टिल आई एम इन शॉक कैसा हो गया, क्योंकि अभी कल तक जिनके ऊपर हम टिकटॉक्स और वीडियोज़ देख रहे थे, बना रहे थे, जिनके गानों को हम यूज़ कर रहे थे, अभी मैं आई हूँ आते हुए भी पूरा टाइम वो गाड़ी में सिद्धू मूसा सुनते आए, तो बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग की बात है, मुझे देख ही नहीं आ रहा अभी तक। इट्स वेरी सैड फॉर द नेशन, बिकॉज एक बहुत वो एक पंजाबी सिंगिंग में उसका एक मकाम उसका रहा है, जिसने भी ये किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है किसने किया है? यार वो आई थिंक कि वो किसी पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व था, वह फार्मर्स की उसमें। तो न्यूज़ कब सुनी? अभी थोड़ी देर रिसेंटली, 15-20 मिनट पहले। सिद्धू मूसे वाले की डेथ पे क्या कहना चाहिए? यार दुख हुआ है, ऑब्वियस ही बात है ये चीज़, बाकी हमारा पंजाबी भाई था और फार्मर्स के लिए खड़ा हुआ था, तो एक कहीं ना कहीं दुख है इस चीज़ पे। जिसने भी ये किया है उनको मारा है, तो इस एक्शन का कंडेम करेंगे, और आई होप सो कि जितनी भी फ्रेटर्निटी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उनके लिए डेफिनेटली सैड न्यूज़, हमारे लिए भी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फैंस थे उनके, तो आई होप सो। आपने भी ये खबर सुनी, आपको यकीन आया इस खबर पे? नहीं, मुझे तो नहीं आया, उन्होंने यहाँ पे कंसर्ट भी करना था पाकिस्तान में, आई थिंक सो उनकी शेड्यूल था कुछ, और आप उसका वेट कर रही थी? हाँ, बहुत काफ़ी फैंस थे उनके, सभी वेट कर रहे होंगे ऑब्वियसली। आपके लिए ये न्यूज़ कैसी थी? शॉकिंग थी ऑब्वियसली, काफ़ी ज़्यादा अभी भी शौक हूँ, यकीन नहीं आ रहा। देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है उसके फैंस के लिए। मैं ये समझता हूँ कि सिद्धू मूसे वाले का जो बेईमाना जो उनका कत्ल हुआ है, तो ये इंडियन रियासत के लिए बहुत बड़ा जो टास्क है, और ख़ास करके जो पंजाब हुकूमत चेंज हुई है, पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, अब वहाँ पर आप पार्टी की, और ये सीधा सीधा जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये सीधा सीधा उसकी सिक्योरिटी उन्होंने वापस ले ली थी, जबकि उन्हें पता था कि इसके फ़ैन मिलियंस में नहीं है, बिलियंस में हैं।
तो उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। इतनी जो है फेमस शख्सियत अकेले कैसे जा सकती है, तो जब उसे इन्होंने आते साथ ही उसे जो है ना सिक्योरिटी ले ली थी, तो इन्होंने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है सिद्धार्थ के जाने के बाद इनकी सुनने के, मुझे तो मिली है न्यूज़। ढाई हार्ट फैन था मैं खुद इनका, और इनके जितने फैंस हैं बहुत ज़्यादा अफसुर्द हैं इस टाइम। और इन्होंने खुद कहा था कि वो लाहौर में भी कॉन्सर्ट करेंगे, हम तो खुद वेट में थे कि कब वो करेंगे, कब यहाँ आएंगे, हम उनके कॉन्सर्ट में जाएंगे। तो मेरे मुझे तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। तो दुश्मनी लोग तरक्की नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी की, जेलस होती है दुनिया उससे। जेलसी की भेंट चढ़ गया सिद्धू मूसे वाले। जी बिल्कुल, जेलसी की भेंट चढ़ गया, इसलिए उन्हें मार दिया गया। बहुत से लोग कहते हैं कि जी नज़रों में आ गए थे वो, बहुत ज़्यादा नज़रें खा गई उनको। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड था, वो पाकिस्तान भी आ रहे थे, क्योंकि मैं खुद एक सिंगर हूँ, मेरा बैंड है, और मैं खुद उनको लाइव सुनना चाहता था। लेकिन दिस इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग न्यूज़ कि वो एकदम से उनकी डेथ हुई है। वो गोली हमारे एक्चुअली फैंस के दिलों पर लगी है, क्योंकि हम तो रोज़ रूटीन में उनके गाने सुनते हैं, और अब आई डोंट नो। लाहौर में जिस किस्म का उनके लिए क्रेज़ था, पंजाब में क्रेज़ है उनके गानों का, उनको यूथ का मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता था, क्या कहना चाहेंगे ये जो उन्हें कत्ल किया गया है, किसने किया है और क्यों किया है? जेलिसी फैक्टर लग रहा है? ऑफ कोर्स जेलिसी फैक्टर है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपस में सिंगर्स में, तो हर कोई मतलब अब सिद्धू ऊपर जाता है तो कोई और नीचे होता है, फिर कोई और ऊपर जाता है सिद्धू, इसी तरह से ही बस। मतलब ये हमारे लिए एक मोटिवेशन ही थी, क्योंकि जिस तरह के उनके गाने होते थे हमें तो बहुत मोटिवेट करते थे, क्योंकि वो जिस तरह जज्बे से गाते थे। लेकिन अब दिस इज़ वेरी सैड कि वो अब हमारे दरमियान नहीं है, और उनको हमेशा याद किया जाएगा। यार जैसे उसकी मौत हुई है वो तो काफ़ी सैड न्यूज़ सुनी है, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट एक अच्छा सिंगर था, पंजाबी सॉन्ग में उसका काफ़ी जो था, उसकी जो थी सॉन्ग के जो चल रहे थे अभी मार्केट में, अभी और भी लोग उसके जो है गाने लॉन्च होने वाले थे पाकिस्तान में, बेसिकली अभी उसके कॉन्सर्ट आ रहे थे, तो काफ़ी उसके फ़ैन फॉलोइंग भी है। तो काफ़ी पाकिस्तानी पंजाब में उनका एक क्रेज़ है, लाहौर में उनका एक बहुत बड़ा क्रेज़ था। मैंने देखा कि अभी घंटा पहले हर सोशल मीडिया में आग की तरह ये खबर फैल गई, और पूरा लाहौर तकरीबन अफसरदा दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यार ऑब्वियसली सैड न्यूज़ है, एक मौत हुई है और बड़ी है, उसको मेरा ख्याल है फायर किया गया है, तो ऑब्वियसली सैड न्यूज़ है। और जहाँ जिस मुल्क से उसका ताल्लुक था वहाँ पे ज़्यादा लोग अफसुदा होंगे इस चीज़ को। मैं खुद बहुत बड़ा उसका फ़ैन था, तो मेरे लिए ये बिजली बन के गिरी है। मेरे लिए यकीन जाने के मैं बहुत रंजीदा हूँ, और मैं इंडियन रियासत से इस बात का मुतालबा भी करता हूँ कि इनके कातलों को कैफरे करदार तक पहुँचाना चाहिए। लाहौर में एक क्रेज़ था उनका, क्या कहना चाहेंगे? जेलिसी फैक्टर है, क्यों कत्ल किया गया? यही लगता है कि इसमें जेलिसी फैक्टर ज़्यादा है, बाकी मीडिया तो अभी यही कह रहा है, अभी देखते हैं क्या पता लगता है आगे। मोटिवेशनल सिंगर थे लोग, इनको देख के जितने यंगस्टर हैं वो सीख रहे थे, आगे आना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे, और जिन्होंने भी ये किया मैं मीडिया की तरफ से यही कहूँगा कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, ताकि उनको सजा भी मिल सके। आपने ये न्यूज़ कहाँ सुनी और कैसा, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे तो अभी सोशल मीडिया पे पता लगी है, कुछ जो मेरे फैंस हैं उनके मुझे मैसेज आने लग गए मेरे फॉलोअर्स के बताएं ये रियल है कि नहीं, तो मुझे वहाँ से पता लगा, और मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ इस न्यूज़ के बाद। सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई है, अभी घंटा दो पहले ये खबर आई है, क्या कहना चाहें भाई? बहुत मारी हुई है। आपको ये न्यूज़ कैसे पता चली और कितनी शॉकिंग है आपके लिए? नेट पे देखा भाई। पसंद करते थे आप उन्हें? जी भाई। तो आप किस आलम में है, क्या फील कर रहे? बहुत मारी हुई है उससे भाई, मैं इतना बहुत मारी हुई इसका भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता इसका भाई। आप देख सकते हैं लोगों के जज्बात इस वक्त। जी हाँ नाजरीन, तो आपने देखा कि लाहौर में उनका कैसा क्रेज़ था, और लोगों के दिलों में ये खबर बिजली की तरह गिरी है, और काफ़ी ज़्यादा अफसरदा दिखाई दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के फैंस। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।
फॉर्म किए अब नहीं रहे।